एक शिक्षक जॉर्ज शेफर्ड पार्कर थे जो 1880 के दशक में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में जैन्सविले में एक टेलीग्राफी स्कूल में पढ़ाते थे। इसके अलावा वो पढ़ाने के बाद फ्री समय में फेमस पेन कंपनी जॉन हार्डेड गोल्ड के फाउंटेन पेन बेचते थे। दरअसल हुआ ये कि जिन पेन को जॉर्ज बेचते थे वो लीक होते थे, जिससे बच्चों के कपड़े खराब हो जाते थे, इनकी स्याही भी जल्दी खत्म हो जाती थी और ये क्वालिटी के तौर पर भी अच्छे नहीं थे। इन सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए जॉर्ज शेफर्ड पार्कर ने अपने छात्रों के साथ मिलकर इस फाउंटेन पेन को सुधारने का फैसला किया और कुछ उपकरणों की मदद से पेन को सुधार भी दिया। इसके बाद जॉर्ज पार्कर ने स्याही लीकेज की समस्या के समाधान को अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने के बाद पार्कर ने पेन का ही बिजनेस आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन उन्हें पैसे और हारने का डर सता रहा था। जॉर्ज पार्कर ने पेन कंपनी तो खोल ली, लेकिन वो पेशे से शिक्षक थे। 1937 में कंपनी के शिक्षक जॉर्ज पार्कर के निधन के बाद कंपनी को बाकी लोगों ने संभाला। दोस्तों ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।